मैं असाइनमेंट सेंड की थी है, उदे 2 पेजेस है पुत्र। तो जेड़ा पेज है जिदे ऊपर लिखिया असाइनमेंट क्लास +1 टर्म 2, तो वो पेज देखो बेटा, उदे च क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है, याद है, सेकंड हार्मोनिक। सो यदि फ्रीक्वेंसी है 2 × V/12 ओपन ऑर्गन पाइप, ते दूसरी तरफ बेटा देखो वो की कह रहे हैं, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बीट्स विद फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जेडी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है थर्ड हार्मोनिक। तो मतलब फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बेटा ये फ्रीक्वेंसी है ना फंडामेंटल, वो होती है V/4L। तो आ हो गया ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ, ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी है। हुण पता की कह रहा थानू, वो कह रहा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 110 हर्ट्ज। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की आ जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 110 हर्ट्ज है, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द पाइप। तो हुण बेटा इतने एक गल का ख्याल की रखना तुसी कि जिहड़ी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ए बेटा हुंदी है V/4L, है ना, इनमें सी करता, और ए वैल्यू दिती है 110 हर्ट्ज। हुण जिहड़ी वी है इत्थे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी होए या ओपन ऑर्गन पाइप, इहदे अंदर कौन है, साउंड है, और साउंड की वेलोसिटी अगर आप ले लीए 330 मीटर पर सेकेंड, वैसे तुहानू गिवन होएगी, तां 4LC = V/110 या LC = V/440, और वी दी वैल्यू है 330/440, तो आ गई थोड़ी लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन। ठीक है, तो 0.75 मीटर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ आ गई। चलो ये तो गल हो गई साड़ी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ना। हुण आ जाइए वापस, उन्हें की कहा सीगा, दोबारा स्टेटमेंट को ध्यान नाल पढ़ो पुत्र। वो कहता वा जिहड़ी ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन है ते क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जिहड़ी फर्स्ट ओवरटोन है, जदों दोनों नूं आपस दे विच बीट्स बनाईयां गईयां तां बीट फ्रीक्वेंसी की है, तो बीट फ्रीक्वेंसी है 2.2 हर्ट्ज। हुण तुहानूं आ दोनों जिहड़ियां आ वालियां सॉरी आ वालियां फ्रीक्वेंसीज है, इक ओपन वाली है इक क्लोज्ड वाली है, तो इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आएगा ना वो बीट फ्रीक्वेंसी है। पर तुहानूं हुण पता होना चाहिए कि जो न्यू बी है ए मॉड ऑफ न्यू नॉट माइनस न्यू सी है। मतलब दो ऑप्शंस बनेंगियां थोड़ियां, पहली ऑप्शन आएगी न्यू बी इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस न्यू सी, तो ये है 2.2,
न्यू नॉट की वैल्यू आ गई है थोड़ी वी बाय एल नॉट माइनस न्यू सी की वैल्यू हो गई है थोड़ी थ्री बाय फोर वी बाय एल सी, है ना। तो एल सी आप निकाल चुके हैं पुत्र, तो वी की वैल्यू थानू दिती हुई है 330 मीटर, है ना। सो उन्हें सॉल्व करके तुसी एल नॉट निकाल सकते हैं। पर दूसरी ऑप्शन है, क्योंकि जी बीट फ्रीक्वेंसी है वो मॉड ऑफ न्यू नॉट माइनस न्यू सी है, तो वो न्यू सी माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो 2.2 इज इक्वल टू 3/4 वी ओवर एल सी माइनस वी ओवर एल नॉट, तो इतों भी एल नॉट की वैल्यू निकलनी है ना। मतलब एल नॉट की है ना दो वैल्यूज आनगियां, एक नहीं, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी सानू ये नहीं ना दस्या होया कि ओपन वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि क्लोज्ड वाली, तो दोनों ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू ध्यान नाल पढ़ लेना समझ लेना। तो इसी तरह पुत्र देखो, अगर असी शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन टू ते, असाइनमेंट क्लास वन प्लस वन टर्म टू, तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए क्लोज्ड पाइप एंड ए ओपन पाइप साउंडिंग टूगेदर, तो फिर वही गल आ गई। तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और दूसरे पासे है ओपन ऑर्गन पाइप। तो हुन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दी फ्रीक्वेंसी अपन न्यू सी लिख ली, ओपन ऑर्गन पाइप दी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिख ली, और दोनों दे विच बीट्स बीट फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है वो है 5 बीट्स पर सेकंड। हुण न्यू बी दी वैल्यू अपन मॉड न्यू सी माइनस न्यू नॉट लिखांगे, मतलब दो ऑप्शंस बनणगियां तुहाडियां कि 5 इज इक्वल टू न्यू सी माइनस न्यू नॉट, और दूजी ऑप्शन बनेगी 5 is equal to new naught minus new c, है ना। पर अगे चलो, कहिंदा if the length of open pipe is 30 cm, तो जड़ी open pipe है उदी length दिती हुई है 30 cm, find by how much the length of the closed pipe must be changed to bring the two pipes in unison। अच्छा, हुन देखियो पुत्र, जेडी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो उदी लेंथ आपां मान लैने आ किन्नी है एल सी। तो हुण जेड़ा न्यू सी है इहदी वैल्यू आपां लिखांगे क्लोज्ड होण करके वी बाय फोर एल सी, और ओपन ऑर्गन पाइप की वैल्यू लिखांगे वी ओवर टू एल नॉट, ठीक है। तो हुण इस केस दे विच तुसी लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कटोगे, क्योंकि आ फार्मूला थोड़े सामने है वी ओवर फोर एल सी माइनस वी ओवर टू एल नॉट, तो इतों एल सी की वैल्यू कट सकती है। तो जेड़ा सेकेंड ऑप्शन है उदे च भी वी ओवर टू एल नॉट माइनस वी ओवर फोर एल सी, तो इतों भी एल सी दियाँ मतलब दो ऑप्शन आनगियां, क्योंकि सानू क्लीयरली नहीं दिता। पर वो की कह रहा, कहिंदा दसो किन्नी लेंथ, बाय हाउ मच द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप मस्ट बी चेंज। तो जे मान लो असी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दी लेंथ नू कर दिता एल सी डैश, ता हुण वो कहिंदा भी हुण लेंथ नू बदलन नाल जिहड़ी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दी फ्रीक्वेंसी है वो की हो गया ओपन ऑर्गन पाइप दे बराबर। क्यों? क्योंकि वो कहिंदा Now the two pipes are in unison. Unison दा मतलब दोनों दिया frequencies बराबर हो गई। तो जदों तुसी पुत closed organ pipe दी length नू बदलिया ता closed organ pipe दी fundamental frequency भी बदल जानी है, इतनी हो जानी ना। पर according to given condition, ए जड़ी new C dash है, ए new knot में बराबर है, unison करके। Unison means proper frequency. तो इट मींस v ओवर 4 lc डैश इज इक्वल टू v ओवर 2 l नॉट, तो lc डैश यदि चेंज होने तो बाद वाली लेंथ आ गई। तो हुण किन्नी लेंथ चेंज हुई, तो आ तुसी डिफरेंस ले सकते हैं, आ वाले डिफरेंस
मतलब जदों बीड्स बन रही सी उस वेले दी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ ले ली सी आपां दो ऑप्शंस ते जेड़ी यूनिसन वाली लेंथ कट के दोनों का डिफरेंस नोट करना है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चन है, आसान नहीं है, मतलब क्योंकि ज्यादा कंसेप्ट है इस करके, है ना। हम देखो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, टू आइडेंटिकल सोनोमीटर वायर्स। हम याद रखो जो सोनोमीटर है तो ये पता केड़ी है, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाला केस आ गया। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जिदे दोनों एंड्स, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, एंड्स आर फिक्स्ड। तो हम थोड़े को दो आइडेंटिकल सोनोमीटर्स है तो दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है 500 हर्ट्ज व्हेन कैप्ट अंडर द सेम टेंशन, है ना। क्योंकि दोनों सोनोमीटर है, कोई भी सोनोमीटर है वो जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू। तो वो कहता दसो व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन वायर वुड कॉज एन अकरेंस ऑफ 5 बीट्स पर सेकेंड। सो इतने दो सोनोमीटर है, सोनोमीटर वन ते सोनोमीटर टू, तो दोनों दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इहदा मतलब हुण वो कहता भी दसो दोनों विचों एक दी फ्रीक्वेंसी नो आपां चेंज कर देना वा कितना, टेंशन दे चेंज करन नाल ते दोनों च बीट फ्रीक्वेंसी की हो जानी है 5 5 बीट्स पर सेकेंड। तो हुण इस क्वेश्चन नो सॉल्व करन दे लई तो थानू पता भी आपां जेड़ी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है वो टेंशन दे चेंज होण नाल करनी है, लेंथ और म्यू नहीं चेंज करना। इहदा मतलब आपां कह सकते हैं कि म्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दी पावर हाफ। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कढ़ने लिए आपां की कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर लेना दोनों साइड्स। जो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी न्यू नॉट आ गया हाफ टी माइनस हाफ डी टी। हुण अगर आपां पुत्र इक्वेजन नंबर वन और टू जिहड़ियां दो कढ़ लईआं, टू नू डिवाइड करिए रेशो ले लिए तो हाफ टी दी पावर माइनस हाफ डी टी ओवर टी दी पावर हाफ, तो ये बन जाना पुत्र हाफ डी टी बाय टी, है ना, क्योंकि आ भी थले आ जाना ना माइनस वाला। अच्छा हुण थोड़े सामने आ की है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हुण थानू पता कि सोनोमीटर वायर और सोनोमीटर टू वन और टू दोनों दे विच जदों टेंशन बराबर सी ता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बराबर सी, ता बीट फ्रीक्वेंसी जीरो सी, पर आपां मान लो दो नंबर सोनोमीटर दे विच टेंशन नू बदलता ता बीट फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। और वो क्यों 5 होई, क्योंकि जदों आपां टेंशन नू चेंज करांगे ता फ्रीक्वेंसी ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ने भी चेंज कर जाना ना, तो इस करके। तो हुण इट मीन्स जिहड़ी चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो किन्नी करनी पैनी है 5 दे बराबर। सो थानू गिवन की है, थानू गिवन है पुत्र इस न्यूमेरिकल च चेंज इन फ्रीक्वेंसी 5 बीट्स दे बराबर, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थानू गिवन है 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो तुसी की कढ़ना चाहते हैं, टेंशन जो फ्रैक्शनल चेंज इन टेंशन निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन। फ्रैक्शनल इंक्रीज हुंदा डी टी बाय टी, चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू नू फ्रैक्शनल चेंज कह देते हैं, और वो किहदे बराबर आ रही है 2 d(n)0 ओवर न्यू नॉट, सो 2 × 5/500। तो जे नू परसेंटेज कन्वर्ट करना इनटू 100% कर लो तो 2% थोड़ा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जेड़ा थानू पता होना चाहिए, मतलब ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है पुत्र, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें ध्यान नाल देखो। फोर्थ क्वेश्चन है, इस सोनोमीटर वायर हैज ए लेंथ ऑफ 114 सेंटीमीटर बिटवीन द टू फिक्स्ड एंड्स। आ मैं थोड़े सामने
ड्रॉ कर रहे हैं टू फिक्स्ड एंड्स, ठीक है। हुण ये जो दो फिक्स्ड एंड्स है इन्हां दे विच आ थोड़ी फिक्स्ड वायर है जिहदी टोटल लेंथ है 114 सेंटीमीटर। हुण पुत्तर ये जिहड़ी वायर है ना स्ट्रेच्ड वायर, इहदे एक एंड ए तो लैके दूसरे एंड बी तक सेम टेंशन है, तो टेंशन भी सेम है थ्रू आउट और म्यू लीनियर मास डेंसिटी भी सेम है। अच्छा हुण उह कहिंदा की करिए, वेयर शुड टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड सो एज टू डिवाइड द वायर इनटू थ्री सेगमेंट्स। तो आपां कहिंदा करिए कि ए जड़ी स्ट्रेच्ड वायर है इहदे नीचे दो ब्रिजेस लगा देने हैं। ब्रिजेस लगाने नाल की होया ए वायर के तीन हिस्से हो गए 1 2 3। तो अगर आपा ए पॉइंट नू ओरिजिन मान लईए तो आ लेंथ हो गई उत्तर L1। तो L1 की हो गई पहले ब्रिज की पोजीशन है ना, तो अगर आ है L2 तो दूसरे ब्रिज की पोजीशन आ गई L1 + L2। ओरिजिन तो लेनी है ना ए तो, और आ लेंथ मान लेनी है L3। हुण तुहानू पता है L1 + L2 + L3 ये तीनों लेंथ दा सम L है, तो आ इक्वेशन नंबर 1। हुण होएगा की पुत्र, हुण ये जड़ियां थोड़े सामने हैगी सिंगल वायर ही है बट ये तीन हिस्से हो गए, तो तीनों हिस्सों दे विच स्टैंडिंग वेव बनेगी। पर एक गल दा ख्याल रखियो, ये जिहड़े तीन हिस्से है तीन सैगमेंट्स है इन्हां तिन्हां दे विच टेंशन भी सेम है पुत्तर और म्यू भी सेम है लीनियर मास डेंसिटी। तो तुहानू पता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुंदी है 1/2L√T/μ, इहदा मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हुण तुहानू की दित्ता, जिहड़ा पहला सैगमेंट है दूसरा सैगमेंट है तीसरा सैगमेंट है इन्हां दी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी रेशो है वो दिती हुई है 1:3:4, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी रेशो 1:3:4 है तब फ्रीक्वेंसी ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो एल हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इट मीन्स आपा इत्थे न्यू 1 दी जगह न्यू 2 दी जगह न्यू 3 दी जगह जे 1:3:4 लिखिया ये सानू गिवन है, तो आपा न्यू 1 दी जगह 1/L1 1/L2 1/L3 दी रेशो 1:3:4 कहता, तो फिर L1 L2 ते L3 दी रेशो 1:1/3:1/4 हो गई, ठीक है। हुण पुत्तर जदों आ रेशो आ गई तो हुण इत्थे अगर आपा ये वैल्यू पुट कर दई है तो आपा की लिख सकते हैं कि अगर L1 नू असी x लिखांगे तो L2 बन जाएगा x/3 ते L3 बन जाएगा x/4। तो आ वाली रेशो असी इक्वेजन नंबर 1 च पुट करांगे, तो x + x/3 + x/4 = 114 सेंटीमीटर। तो इनू सॉल्व करके तुसी x निकाल सकते हैं। जो थोड़ा एक्स निकल आया पुत्र तां तुसी पहले सेगमेंट की लेंथ दूजे सेगमेंट की लेंथ ते तीजे सेगमेंट की लेंथ दस सकते हैं किन्ने किन्ने सेंटीमीटर है। पर जे उन्हें पूछा वा ब्रिजिस की पोजिशन तो आ फस्ट ब्रिज है थोड़ा पहला आ सैकेंड ब्रिज है, तो फस्ट ब्रिज की पोजिशन ऑफ फस्ट ब्रिज दसनी है तो पोजिशन ऑफ फस्ट ब्रिज आ गई L1। पर जे तुसी पोजीशन ऑफ सेकंड ब्रिज दसनी है तो वो आएगी L1 + L2। क्यों? क्योंकि आपा ना ए पॉइंट नु तो ओरिजिन मन्या, तो पहला ब्रिज ओरिजिन तो L1 दूरी ते है ते दूसरा ब्रिज ओरिजिन तो L1 + L2 दूरी ते है ना, ओदे हिसाब नाल दस सकते हैं। मतलब तुसी हर सेगमेंट दी लेंथ भी दस सकते हैं ते ब्रिज दी दूरी भी दस सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
समझ आ भी रही है पुत्र थानू? यस सर, यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर जेड़ा 5 है, ए वायर ऑफ डेंसिटी 9 × 10³ इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू क्लैंप्स 1 मीटर अपार्ट। मतलब इस वायर दे दोनों एंड्स फिक्स्ड है और इस वायर दी लेंथ 1 मीटर है एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटेंशन ऑफ, तो चेंज इन लेंथ है इस वायर दी 4.9 × 10⁻⁴ मीटर। व्हाट विल बी द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन द वायर। यंग्स मॉडुलस दिता होया उत्तर थानू, उन गल नु सुनो। एक्चुअली जेडी थोड़ी स्ट्रेच्ड वायर होंगी है ना, ओदी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होंगी है 1/2L अंडर रूट टेंशन ओवर म्यू। ते म्यू नू आपां कल जिदा कीता सी मास पर यूनिट लेंथ है, म्यू दी वैल्यू तुसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं ना, ये आपां डिस्कस कीता सी। क्यों? क्योंकि जेडी लीनियर मास डेंसिटी है म्यू, वो है एम ओवर एल है ना, और एम दी वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास ओवर एल, एल एल कटिया गया एरो। अच्छा हुन टेंशन ओवर एरिया नु आपा कह सकते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस ओवर डेंसिटी। हुन पुत्तर थानू पता यंग्स मॉडुलस की हुंदा, यंग्स मॉडुलस हुंदा वा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इहदा मतलब आपा स्ट्रेस दी जगह दे इत्थे की लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन दा मतलब, अच्छा मैं एक स्टेप होर लिख देना थोड़े लिए, स्ट्रेन ओवर डेंसिटी। ते स्ट्रेन नु आपा लिख सकते हैं पुत्र चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ ते नाल डेंसिटी है। हुन थोड़े सामने जेड़ा फार्मूला तैयार होया उहदे च लेंथ भी है, चेंज इन लेंथ भी है, यंग्स मॉडुलस भी है, डेंसिटी भी है, सारा कुछ तुहानू आ गिवन है, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व ही करना, उत्थों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाए, आ जाएगी कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये स्टेप्स जेड़े है ना ये समझो, मतलब थ्योरी आंदी होएगी तो गल बननी है पुत्र, बाकी प्रैक्टिस तो जरूरी चाहिए है। देखो पुत्र हुण आपां 7th क्वेश्चन जेड़ा कीता वा बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਐਂਡਸ ਐਂਡ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਬਾਈ ਅਟੈਚਿੰਗ ਏ ਵੇਟ ਆਫ 200 ਨਿਊਟਨ ਟੂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਵੇਟ ਸਟ੍ਰੈਚਸ ਦਾ ਵਾਇਰ ਬਾਈ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਵਾਇਰ। ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10⁻³ ਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚਡ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। तो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर की हुंदी है 1/2 × लोड × एक्सटेंशन। तो लोड 200 न्यूटन दिता होया, लोड वेट हुंदा बेटा, फोर्स हुंदी है, ध्यान रखियो। ते एक्सटेंशन 10⁻³ मीटर होगी ना, 1 मिलीमीटर है, तो वैल्यू पुट करके 0.1 जूल एनर्जी स्टोर्ड आ गई थोड़ी। तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व कर लेना। तो